नई दिल्ली टीवी अभिनेता कवि कुमार आजाद, जो लोकप्रिय तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज झाथी के लिए जाने जाते हैं, उनकी सोमवार को मृत्यु हो गई और सलमान खान ने अपने मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए प्रवृत्ति शुरू कर दी कुछ 8 साल पहले। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 साल पहले श्री आजाद को मुंबई में डॉक्टर मफी लक्कड़ावाला के मार्गदर्शन में भर्ती कराया गया था, जो सलमान की मानवीय पहलों के संबंध में 52 वर्षीय सुपरस्टार से निकटता से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री आजाद को तुरंत वेंटिलेटर पर रखा जाना था और सलमान ने यह सुनिश्चित किया था कि ऑपरेशन शुल्क और अस्पताल की फीस कवर की गई थी, जबकि डॉक्टर मुफी ने सर्जरी की कीमत मुक्त कर दी थी। सलमान ने श्री आजाद ने दवाइयों के लिए खर्चों से बचने में भी मदद की। श्रीमान आजाद बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद बरामद हुए और इसके बाद के इलाज के बाद कई किलोग्राम खो गए। उनका वजन 265 किलोग्राम से 140 किलोग्राम तक गिर गया था। आजाद सलमान से मिले और उनके कठिन समय में इतना बड़ा समर्थन होने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाल ही में आजाद को दूसरी बेरिएट्रिक सर्जरी की सलाह दी गई थी, जिसे उन्होंने टीवी उद्योग में कार्य न मिलने के डर से बाहर निकाला था। आजाद की मुंबई के वखार्ट अस्पताल में कार्डियक अटैक से मृत्यु हो जाने के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोस्ट कास्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चला गया। निर्माता और आजाद के करीबी सहयोगी असित कुमार मोदी ने कहा कि अभिनेता ने सोमवार को उन्हें यह सूचित करने के लिए बुलाया कि वे उस दिन सेट में शामिल नहीं होंगे। सन 2009 में अपने स्वास्थ्य के डर के बाद उन्होंने खुद की बेहतर देखभाल करने का वादा किया था। उनका विवाह नहीं हुआ था और वे तारक मेहता टीम को अपने परिवार जैसा मानते थे। वह मुझे बताएगा, कवि कुमार आजाद 45 वर्ष के हो चले थे। उनकी अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर मुंबई में हुआ, जिसमें उनके सहयोगी जैसे मंडरचंद अवाड़कर, नेहा मेहता, जेनेफर मिस्त्री और शैलेश लुढ़ा शामिल थे। टीवी शो में शामिल होने के अलावा कवि कुमार आजाद ने मेला और फन्नाटोस जैसी फिल्मों में भी रोल किया था।